हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू क्लास फोर EVS। अगेन वी आर हियर विथ चैप्टर 17 नैनीता इन मुंबई, यानी कि नैनीता मुंबई में। बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि नैनीता अपनी माँ का ट्रीटमेंट करने के लिए मुंबई से विलेज से मुंबई आती हैं और अपना माँ का ट्रीटमेंट कराती है। उसे अपने मामा घर आना पड़ता है, जहाँ सभी काम करने के लिए एक ही रूम हुआ करता है, बैठने के लिए, सोने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सभी चीज़ एक ही रूम में होता है। और उसने ये भी देखा कि पानी के लिए उसे 4 बजे सुबह उठकर पब्लिक टैप पर जाना पड़ता है और वहाँ उस पानी के लिए लड़ाई झगड़ा भी होता है। अगर थोड़ा सा देरी हो जाती है तो उसे उस दिन पानी नहीं मिल पाता है। इस तरह से वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करती है। और आज हम लोग उस स्टोरी के आगे देखेंगे, लर्निंग न्यू थिंग्स। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाई बस टू सी माई मदर। उसकी माँ ट्रीटमेंट के लिए विलेज से मुंबई आई है और उसकी वो अपनी माँ को एडमिट की है हॉस्पिटल में। तो वह कहती है कि एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाई बस टू सी माई मदर। वह कहती है कि मैं प्रतिदिन बस से अपनी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती हूँ। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्कार्ट टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेज। वो कहती है कि शुरू में उसको इस तरह भीड़ भाड़ वाले बस पर चढ़ने में उसको बहुत डर लगता था। आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट। वो इसकी उसे आदत नहीं था इतने भीड़ भाड़ वाले बस में चढ़ने के लिए। आई वॉज अफ्रेड बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक डैट। वो बोलती है कि मैं पहले बहुत डरती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मस्ट टू पे फॉर द टिकट, वेयर टू गेट डन। वह कहती है मैं जान चुकी हूँ कि बस पर चढ़ने के लिए किस टाइप से लाइन लगाना होता है, कैसे टिकट हम लोग खरीदते हैं और कैसे हम लोग बस से उतरते हैं। अब ये शुरू में उसको डर लगता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। वेयर वी स्टे देयर इज ए टॉल बिल्डिंग नियर बाई। वह कहती है जहाँ वो लोग ठहरे थे वहाँ बगल में बहुत ऊँचा बिल्डिंग है। माई मामी वर्क्स इन 7 houses देयर। वो बड़े बड़े वहाँ पे बिल्डिंग है और उसकी जो मामी है और उस मकान में 7 लोगों के यहाँ 7 घर में काम करती है। सी वॉशेज यूटेंसिल एंड क्लीन्स द हाउसेज। उसकी माँ उन लोग घर में क्या काम करती है, बर्तन धोने का काम करती है और घर को साफ करती है। वन डे आई वेंट देयर विथ हर। एक दिन वो कहती है मैं अपनी मामी के साथ उनके यहाँ गई। When I first saw the building, I thought that it was one big house. वो कहती है जब मैंने पहली बार बिल्डिंग को देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा एक ही हाउस है, एक ही घर है जो कि इतना बड़ा है। But I found that there were many houses, one on top of another. वो कहती है कि मैंने पाया कि वो एक घर तो नहीं है, उसमें बहुत सारे हाउस हैं और सब एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं। यानी कि बच्चों, आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े शहर में जाते हैं तो बहुत से मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होता है, 10 मंजिला होता है, 12 मंजिला होता है, 19 मंजिला होता है, सभी क्या होता है, फ्लैट नुमा ये बिल्डिंग होते हैं और सभी जो होते हैं स्टोरेज में होते हैं, है ना। फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह बहुत ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग होते हैं। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स। वो बोली कि मैं बहुत ही वंडरिंग, आश्चर्यचकित थी कि मैं इतनी सारी सीढ़ी कैसे चढ़ूंगी। उसे लगता था कि इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग में जाने के लिए उसे सीढ़ी से ही चढ़ के जाना पड़ेगा। बट देयर वॉज ए लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन। लेकिन वहाँ एक लिफ्ट था जो लोगों को ऊपर ले जाता था और ले आता था। यानी कि बच्चे, आप लोग मॉल में, बड़े बड़े होटल में देखते हो कि वहाँ लिफ्ट है। लिफ्ट में क्या होता है कि हम लोग लिफ्ट में जाते हैं, बटन को हम लोग प्रेस करते हैं और जिस फ्लोर पर जाना रहता है उस फ्लोर का नंबर डालते हैं, उस फ्लोर पर हमारा लिफ्ट चला जाता है। जिसको ऊपर जाना रहता है वो ऊपर जाते हैं, जो नीचे आना रहता है वो नीचे का अपने हिसाब से उसमें नंबर रहता है, बटन को हम लोग प्रेस करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी ऊँची ऊँची बिल्डिंग थी, वहाँ पर इसको पता चला कि नहीं, यहाँ सीढ़ी चढ़ कर नहीं जाना होता है, यहाँ पर लिफ्ट है और लिफ्ट का यूज़ करके लोग अप एंड डाउन करते हैं, ऊपर नीचे आते हैं। इट वॉज़ लाइक ए बिग आयरन केज विथ फैन एंड लाइट
एंड इवन ए बेल. उसमें उसके लगता वो बताती है कि वो जो हमारा जो लिफ्ट था वो किस टाइप का देखने में लगता था. वो कहती है एक बिग आयरन केज. उसे लगता था कि ये बहुत सा लोहे का बड़ा एक पिंजरा है और उसके अंदर फैन और लाइट भी है और एक बेल भी है, घंटी भी है कि जब कभी इमरजेंसी हो तो उस बेल को हम लोग प्रेस करते हैं. सो मैनी ऑफ अस गॉट इन टू द लिफ्ट. तो वो कहती है कि हम लोग उससे बहुत सारे लोग उस लिफ्ट में चढ़ते थे. Somebody pressed the button and lift went up quickly. कोई आदमी उस लिफ्ट में कोई बटन को प्रेस करता था और लिफ्ट went up quickly. लिफ्ट जल्दी चला जाता था जहाँ जाना हो, अप और डाउन. टू टेल यू द ट्रूथ आई वॉज वेरी स्कार्ट इन द बिगनिंग. वह कहती है मैं सच बताती हूँ मुझे शुरू में बहुत ही डर लगता था. तो इसमें कुछ कहा गया है लेट्स टॉक. ये आप लोग से पूछा जा रहा है कि डू यू नो एनी वन हु आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल. ये पूछा जा रहा है कि तुम किसी को जानते हो जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है. फॉर हाउ मनी डेज वाज ही और सी इन द हॉस्पिटल. वो कह रहा है अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड है वो कितने दिन से एडमिट है. डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल. क्या तुम उस आदमी को देखने के लिए हॉस्पिटल गए. हु वाज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में उस पेशेंट को कौन देखभाल करता है. ये सब तुम्हारे से पूछा जा रहा है. क्या तुमने कभी इसे देखा है. देखा है तो इसका आंसर बताने को कहा जा रहा है. हैव यू एवर सीन ए टॉल बिल्डिंग वेयर. पूछा जा रहा है क्या तुमने कभी बहुत लंबी बिल्डिंग देखा है और देखा है तो कहाँ. हाउ मैनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव. जो तुमने ऊँची बिल्डिंग देखा है उसमें कितने फ्लोर्स हैं. हाउ मैनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब. तुम कितने फ्लोर्स तक चढ़ सकते हो. अब नेक्स्ट टॉपिक इज अनदर हाउस. अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू नंदिता मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलू हाउस. मामी जो थी जो टॉल बिल्डिंग में सात घर में काम करती थी तो मामी टुक मी वो नंदिता को लेकर सबसे पहले बबलू के घर में गई. हिज हाउस वाज ऑन द 12th फ्लोर. उसका जो बबलू का हाउस था वो 12वीं मंजिल पे था. व्हाट ए बिग हाउस. उसको देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि कितना बड़ा हाउस है. व्हाट ए बिग हाउस. सो मैनी रूम्स. उसमें बहुत सारे रूम थे क्योंकि वो तो अपने मामा के घर में रहती थी. वो देखती थी कि मामा का घर में एक ही रूम था. उसमें सारे बैठने का काम खाने का काम सभी काम उसी रूम में होता था. सभी लोग एक ही रूम में बैठते थे खाते थे बर्तन धोते थे. और यहाँ इतने बड़े घर को देखकर उससे आश्चर्य हो रहा था. उस सो मैनी रूम्स वन टू सिट इन वन टू ईट इन वन टू स्लीप इन एंड वन टू कुक इन. वो इतने सारे रूम थे. एक बैठने के लिए अलग से था खाने के लिए अलग से था सोने के लिए अलग था और खाना बनाने के लिए अलग था. देयर टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस. उसे तो मामा का घर का पता था कि उसके मामा के घर में एक ही टॉयलेट हुआ करता था जो सारे उस स्ट्रीट के जितने भी लोग थे सभी उसी टॉयलेट का यूज करते थे. लेकिन उसने देखा कि यहाँ पे घर में ही टॉयलेट है. इट टुक मामी ए लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस. मामी को उस घर को साफ करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था. बट सी कुड वर्क इजली. लेकिन वह काम बहुत इजली ढंग से आसानी से कर लेती थी. देयर वाज ए टैप. वहाँ पानी का टैप था. उसको पता था कि जहाँ वो रहती थी उसे पानी के लिए बहुत ही दिक्कत होता था. उसे सुबह 4 बजे जाकर के पब्लिक टैप पर लाइन लगाना होता था तब जाकर उसे पानी मिलता था. लेकिन वहाँ इतने बड़े घर में देखती है कि वहाँ अलग से एक देयर वाज ए टैप. इस घर में अलग से टैप है पानी की व्यवस्था है. इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट. उसने देखा कि किचन में वाटर टैप कहाँ है. किचन में है और उसमें से आराम से पानी उसमें से लोग यूज करके बर्तन वगैरह सब धो लेते थे. बबलू पुट ए बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ. उसने बबलू ने क्या किया टैप के अंडर एक बकेट लगा दिया पानी भरने के लिए क्योंकि उसे स्नान करना था. देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी. और पानी लगा करके वो क्या किया टीवी देखने बैठ गया. सो मच वाटर वॉज वेस्टेड. तो पानी तो वो तो टीवी देखने में बिजी हो गया तो पानी भर के बकेट से ओवरफ्लो होने लगा यानी कि पानी वेस्ट होने लगा. आई डिड नॉट लाइक इट. चूँकि नंदिता जो थी पानी के इम्पोर्टेंट को समझती थी इसको कितने परेशानी उठाना पड़ता था कितनी प्रॉब्लम होती थी इसलिए वो कहती है आई डिड नॉट लाइक इट. मुझे ये पसंद नहीं था कि वो बैठकर टीवी देख रहा है और पानी ओवरफ्लो होकर गिर रहा है. आई वेंट एंड क्लोज द टैप. वो कहती है कि मैं गई और टैप को बंद कर दिया.
बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडोज। बबलू के घर में बहुत बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियाँ थी। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो। मामी कहती है कि तुम इस विंडो से नीचे देखो। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट एंड द हाउसेज। वह कहती है कि उस खिड़की से, उसकी बिल्डिंग तो 12th फ्लोर पे थी, बहुत ऊंची थी, तो वह कहती है कि मैं उस शीशे वाली विंडो से मामा के गली देख सकती थी जिसे मामा का घर था, और बहुत सारे हाउस को भी देख सकती थी। बट आई कुड नॉट मेक आउट ऑफ विच वाज हिज हाउस। लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी कि उसमें से उसका घर कौन सा है। ऊपर से देखने में क्या, उसको गली भी दिखाई देता था, बहुत सारे हाउस भी दिखाई देते थे, लेकिन उसका घर कौन था, उसका मामा घर कौन था, ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। फ्रॉम अप देयर एवरी थिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज। जब वो ऊपर से देखती थी तो नीचे सभी कुछ उसे स्मॉल टॉयज, छोटे खिलौने की तरह लगते थे। आई वॉज क्वाइट एफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच ए हाइट। उसे ऊपर से नीचे देखने में, ऊपर हाइट से नीचे देखने में बहुत डर लगता था। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, वेन नंदिता क्वेश्चन आंसर है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डैट्स ऑल फॉर टुडे।